आज का जो सेशन होगा वो एक मोटिवेशनल सेशन ना होके हम लोग एनालिसिस करेंगे कि ऐसे क्या कारण हैं, ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से अभी तक आप लाइफ में बहुत अच्छी या जो आपकी डिमांड, जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं या आप जिस तरीके से अपने आप को रखना चाहते हैं उस तरीके से सक्सेस नहीं पा पाए हैं, उन सारी बातों के लिए एनालिसिस करेंगे। टॉप 5 रीजंस बताएंगे और वो बिल्कुल आपको फिट बैठेंगे, बारी बारी से देखेंगे और लास्ट तक आप जाइए, लास्ट तक सारे वो रीजंस आपको लगेगा कि मेरे ऊपर फिट बैठ रहे हैं, ये मेरा दावा है, मुझे ऐसा ऐसा लगता है। तो टॉपिक का नाम आप एक बार देख लें, जैसा कि हम लोग पहले हर बार हर वीडियो में अपने बताते हैं कि आज सेशन हमारा क्या होगा। तो आज का सेशन है टॉप 5 रीजंस व्हाई आर यू स्टिल अनसक्सेसफुल। तो इससे आपको क्लियर डिफाइन हो गया होगा कि हम किस पे बात करने वाले हैं। मगर एक बात ध्यान रखें, हम मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाले, रीजन बताएंगे, एनालिसिस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों या क्या कारण है जो आप जान नहीं पाते हैं, बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। एनालिसिस का सबसे पहला टॉप 5 रीजन में से सबसे बड़ा रीजन, अब ध्यान से पढ़ लो, यू ऑलवेज फील आई डोंट हैव चांदी की चम्मच इन माई माउथ। थोड़ा सा अकवर्ड लग रहा है, थोड़ा सा फनी भी लग सकता है, जैसा कि आप सुनते हैं सिल्वर स्पून्स, इसका क्या मतलब है कि ज़्यादातर मुझे या बहुत सारे मैंने लोगों को, बच्चों को देखा है डिस्कस करते हुए, छोटे पे मैंने ऑब्जर्व किया है कि उन्हें लगता है कि सेलिब्रिटी या उनके स्टार्स, उनके सन्स होते, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चे होते, ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड होता, पैसे पहले से बैकअप होता, हमारे पेरेंट्स से, हमारे अंकल से, हमारे फादर ने, ग्रैंड फादर ने ऐसा कुछ बना के नहीं रखा है, ऐसा कुछ हमें बेस नहीं दिया। अगर हमें दिया होता तो आज सारी चीज़ें कंफर्टेबल होती, आराम से मैं कर पाता, बहुत सारे लोगों को कितना सपोर्ट है, कितनी फैसिलिटीज़ हैं, वो इसलिए कर पा रहे हैं। तो शायद सबसे पहला रीज़न है, मेन रीज़न है, आपको सबके अंदर ही फीलिंग आती है। और आप सोचिए कि धीरूभाई अंबानी है, उन्होंने जब शुरुआत की होगी, आज तो कंफर्टेबल जोन में उनके बच्चे, बट उन्होंने शुरुआत की होगी कितना स्ट्रगल किया होगा। सचिन तेंदुलकर है या कोई भी सेलिब्रिटी स्टार है जिन्होंने सबसे पहला नॉक किया है, उनके साथ तो स्ट्रगल रहा होगा और सबसे ज़्यादा उनका ही नाम हुआ है। तो आप सबसे पहले स्टेप को आप देखिए, बाद के कंफर्टेबल जोन को मत देखिए। अगर आप सही से एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो शुरुआत करना पड़ेगा। सोच लीजिए कि उस सेलिब्रिटी स्टार बनने के लिए सबसे पहला आप अपने फैमिली में आपकी जिम्मेदारी दी गई, आपको सही से निभाना है, आपको स्टार बनाना है आगे वाली जनरेशन को। टॉप 5 रीजन में से दूसरा रीजन सबसे ज्यादा, मैं इसको भी स्ट्रांग रीजन मानता हूं, एनालिसिस में मैंने पाया है, जो मेरी एनालिसिस है मेरे सारे बच्चों पर जो मेरे साथ इंटरेक्ट होते हैं, इन 4-5 सालों में इंटरेक्ट हुए, मैंने ऑब्जर्व किया है कि उनको या उनकी तैयारी का जो दिशा है, या तो उनके फादर या पेरेंट्स या उनके टीचर्स या उनके फ्रेंड्स, आसपास के सरकमस्टेंसेस की वजह से उन्होंने डिसीजन लिया है, उनको बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं, जिसको बोलते हैं आत्मविश्वास, खुद को भरोसा होना। जब उनके साथ मैंने कन्वर्सेशन किया है तो मैंने रियलाइज़ किया है कि वो सिलेक्शन के लिए, रैंक के लिए केवल इसलिए बोलते हैं कि उनको रियलाइज़ कराया जाता है कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं, बट उनको लगता है कि मुझसे नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ को पाना है तो सबसे ज़्यादा अपने आप पर आपको भरोसा होना चाहिए दूसरों से ज़्यादा। टीचर आपको बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी दिखाता है, ट्रस्ट दिखाता है, पेरेंट्स बोलते रहते हैं कि आप अच्छा कर सकते हो, आप पे भरोसा है, तभी आपको कोचिंग कराई गई है। अगर आपको आपके पेरेंट्स ने स्कूल में दाखिला कराया, कोचिंग कराई है, ये सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, तो उनको ट्रस्ट है। मगर सबसे ज़्यादा अपने आप को कोई पर्सन सबसे ज़्यादा अपने आप को वो खुद जान पाता है। ये बात को मैं ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अपने साथ आप ही रहते हो। आप सबसे पहले एनालिसिस करिए कि यार मेरा आत्मविश्वास, मेरा भरोसा ही मुझे आगे बढ़ाएगा। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर ट्रस्ट करिए और कोई भी चीज़ करिए तो भरोसे के साथ बढ़िए। और वाकई में आप अगर अपने आप में ये आत्मविश्वास जगा लेंगे कि मैं कर पाऊँगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अगर रियल लाइफ से कोई एग्जाम्पल लिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मुझे आता है, तो आपने एक नाम सुना होगा स्टीफन हॉकिंस का, ठीक है। रियल में जब बहुत ज़्यादा मैं इन सब चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं रखता, जब मुझे सुनाई पड़ा या कि मूवी आई थी तो मैंने उनके बारे में जानने का प्रयास किया, तो मैंने कुछ वीडियोस देखे स्टीफन हॉकिंस को, तो मैं सरप्राइज दे गया उनकी। आप अगर आपको लगता है या आप नहीं जानते, एक बार सर्च करिए उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनके वीडियोज़ आप देखिए, बंदे के अंदर
किसी बंदे के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो सकता है और इतनी चीज़ों को परिवर्तित कर सकता है जिसका कुछ भी फिजिकली कोई पार्ट नहीं काम कर रहा है। स्टीफन हॉकिंग्स को मैं सल्यूट करता हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड करने वाली बात है। जितना मैं यहाँ पे कुछ बोलूँगा उससे ज़्यादा आप सर्च करो, ऐसे बहुत सारे ऐसे पर्सन्स, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे अचीवर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके उनके बॉडी चाहे पार्ट्स नहीं रहे फिर भी उन्होंने पार्ट लिया। क्रिकेट मैच है या कोई भी जो भी गेम होता है उनमें सबसे ज़्यादा यही चीज़ आती है कि जब ऐसे ऐसे लोगों ने बाजी पलटी है जिनको जिनसे लोगों को उम्मीद नहीं थी। तो आप अपने आसपास की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें चल रही हैं उनसे आप इस बात को देख सकते हैं कि कोई भी जंग और कोई भी चीज़ या कोई भी इतिहास में एक मूवी आई थी स्पार्टन्स, वो मूवी मुझे हमेशा हमेशा मैं कभी भी देखता हूँ तो मुझे हमेशा पसीना सा आ जाता है। वो इतने कम लोग मैं इतने आत्मविश्वास के साथ लड़ते हैं, तो जब भी मैं कभी भी मैं लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो रहा है तो मैं उस टाइप की मूवीज़ उस टाइप की वीडियो ज़रूर देखता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मुझे भी कभी कभी मेरा कॉन्फिडेंस लो होने लगता है, तो बस मैं यही काम करता हूँ, कुछ अपने आसपास की जो चीज़ें हैं, वीडियोज़ हैं जो आपको दिए गए हैं। पहले हम लोग जब इंस्पायर्ड होते थे तो कहानियाँ किताबों से पढ़ते थे, आज आपको किताबें ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास मोबाइल है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब बस आप गूगल करिए, यूट्यूब पर देखिए, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको वाकई में दोबारा आपका आत्मविश्वास फिर से लौटाएंगे। ज़रूरी है, ये सबके साथ हो सकता है। तो जब भी आपको लगे कि मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, सबसे पहली बात पढ़ाई को बंद कर दीजिए, सब कुछ रोक दीजिए और आपको ऐसी बातें और ऐसी चीज़ें ज़रूर करनी है जिससे कि दोबारा फिर से आप अब जब कम बैक करें तो एक नए जोश के साथ करें। टॉप फाइव रीजन में से तीसरा रीजन, दो रीजन्स हैं। सबसे पहले कुछ करने के लिए वो दो रीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर अगर आपके पास आपका बैकग्राउंड उसको आप कोई कारण नहीं मानते हैं, और दूसरा आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप कुछ अचीव कर लोगे। अब आपको टारगेट सेट करना है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास बहुत पैसा हो या पॉकेट में बहुत मनी हो और आप मार्केट में जाके कुछ सर्च कर रहे हैं, बट आपको यही नहीं पता है कि क्या सर्च कर रहे हैं। आप मार्केट में किसी शॉपकीपर्स के पास, बड़ी शॉपकीपर्स के पास जाएं, बोले कि मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे कुछ खरीदना है, ठीक है, तो एक वो आपको ऐसे घूरेगा, ऐसा रिप्लाई देगा कि भाई क्या। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मुझे लेना क्या है, मेरी डिमांड क्या है, तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, कोई भी मदद नहीं कर सकता है। और मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ कि जो भी वीडियोस देख रहे हैं, मैंने एक बार रियल में प्रैक्टिकल किया था, बहुत सारे बच्चों को मैंने बुलाया, उनसे बोला, उनको पेपर एक ब्लैंक दिया और मैंने बोला कि आप अपना टारगेट लिख दीजिए जो आपका खुद का हो। तो उन्होंने एक वर्ड्स में, एक स्टेटमेंट में अपने टारगेट नहीं लिख पाया, बहुत सारी बातों को उन्होंने रिफाइन किया। तो शायद अगर अभी आपको, अब आप मेरे बिल्कुल 1-to-1 साथ में तो है नहीं, अगर अभी आप प्लेन पेपर लेंगे तो अपने टारगेट को लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, या तो आपको इंस्पायर्ड किया गया है कि आपको MCA लिए करना है, कि आपके भाई ने किया है, आपकी बहन ने किया है, दोस्त ने किया है, उसके पास इतना पैसा है, उसके पास ये चीज़ है, तो आपको इंट्रैक्ट कराया गया, इंटरेस्ट डेवलप किया गया है, आपको एक जॉब करनी है इसलिए आप MCA कर रहे हैं। रियल में आपका एक एक एम है क्या? एम पता क्या होता है, जब आप बिल्कुल अकेले में बैठे हो तो आपको खुद की चाहत है, बाकी में आप क्या करना चाहते हैं। तो अगर अभी भी आप तैयारी कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि आज ही छोड़ दीजिए, सबसे पहले आप ये सर्च करिए कि वाकई में मेरा उद्देश्य क्या है। किसी का इस पे दबाव नहीं होना चाहिए, जैसे मुझे, तो रियल में कभी भी आज तक मेरे मुंह से ये निकला ही नहीं कि यार मुझे पढ़ाते पढ़ाते मेरा सर दर्द करने लगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं थक गया हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं पढ़ के थक गया हूँ। अरे अब म्यूजिशियंस को देखो, बाकी में इसके लिए जो बने, जो प्लेयर्स होंगे, तो कभी कह नहीं सकते कि मैं थक गया हूँ। तो अगर आपको थकान होती है पढ़ने से, तो आपका ये टारगेट है ही नहीं, उद्देश्य आपका पूरा नहीं हो रहा, आप कुछ और चाहते हैं। तो सबसे पहले थर्ड रीज़न है, आप आज जाके एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब है कि इतना से सोचेंगे कि यार मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे लिए क्या है, और एक डिसाइड करिए गोल टारगेट, फिर देखिए जुनून आएगा। और कोई भी आपको कोई ऐसा रीज़न या बार बार कोई ऐसा आपको रियलाइज नहीं कराएगा कि यार कितने बजे तुम्हें पढ़ना है, कब मुझे पढ़ना है, कब जागना है, कितना क्या करना है, ऑटोमेटिक
एक अलार्म सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक सारी चीजें मैनेज होगी और आप अपने लिए करेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। आप मेरा कंपैरिजन जब भी वीडियो देखें तो आप कुछ भी ऐसा कंपैरिजन ना करें, एनालिसिस कर रहे हैं फाइव रीजंस जिन्होंने मेरे बच्चों में सर्च किए हैं, देखें ऑब्जर्व किए हैं और वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप सारे रीजंस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार मेरे अंदर भी ऐसे रीजन चल रहे हैं। मैं रियल में शायद आपको मेरी बात सुन के स्माइल आ जाए, मगर ऐसा है क्योंकि मैं जब भी अभी सारे रीजंस दे रहा हूँ तो अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा था उस समय लेके कि जब मैं तैयारी करता था तो मेरे साथ क्या हो रहा था। ठीक है, ये रीजंस मैं देखता हूँ कि मेरे साथ भी चल रहे थे। तो अब आया सबसे चौथा जो रीजन है, सेल्फ मोटिवेशन। आपके पास सब कुछ है, आपने मान लिया कि हमारा टारगेट भी क्या है, मगर यात्रा जब जर्नी जब सक्सेस आप पाते हैं तो एक जर्नी है, उस जर्नी में बीच में आपको थकान महसूस होगी, बोरियत महसूस होगी, थक जाएंगे आप, मगर आपको आगे बढ़ना है। इसके लिए आपको खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा, खुद से ऐसी ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आप मोटिवेट हो। अभी किस तरीके से मोटिवेशन आता है, हो सकता है कि एक छोटा सा बच्चा स्कूल जा रहा हो, सुबह ड्रेस पहन के जा रहा हो, बहुत सर्दी हो, तो आप उससे भी मोटिवेट हो सकते हैं कि आपको लगता है यार इतने सुबह ये तैयार होकर जा रहा है तो ये इतना कर सकता है, तो मैं भी रेगुलरिटी आपको मेंटेन करता। एक होता था हॉकर, बहुत कोहरा हो और सुबह वो आपके दरवाजे पर न्यूज़पेपर डाल के जाए, जब आपको सन्नाटा लगे, आपका पढ़ने का पेपर उठाने का मन नहीं हो रहा जबकि वो सुबह निकल चुका है 4 बजे, तो आपको वो भी मोटिवेट कर सकता है। एक ठेले वाला रात में 11 बजे आपको दिखाई पड़ेगा, सन्नाटा है, पूरी रोड पे कुछ भी नहीं है और एक ठेले वाला अपनी धुन में चला जा रहा है, तो वो भी आपको मोटिवेट कर सकता है। जरूरी नहीं कि ISPCS ही मोटिवेट करें, हो सकता है कि आप वो आपसे ऑब्जर्व ये ऑब्जर्व ना कर पाए कि आप उससे मोटिवेट हो रहे हैं। तो मोटिवेशन कहीं से भी आ सकता है, एक जानवर भी आपको मोटिवेट कर सकता है, मगर मोटिवेशन कहीं ना कहीं आना चाहिए क्योंकि जर्नी, आज अगर आप सोचेंगे आज आपने यार टारगेट सेट कर लिया तो कल को आपको सफलता नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आपको 1 साल लग जाए, हो सकता है कि आपका टारगेट बहुत ही ऊपर ऊंचाइयों पर जाने का हो। अगर आपने टारगेट सेट किया जॉब तो आपको विद इन 1 या 2 ईयर्स में मिल जाएगी, मगर आपने सोचा है कि हम इंडस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं, एक पारदर्शी चीज़ों को चेंज ही करना चाहते हैं, सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए आपको हो सकता है कि 10 ईयर्स लगाने पड़े, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए, कि खुद का एक आत्मविश्वास और मोटिवेशन कि आप थकेंगे नहीं, क्योंकि बीच में थकान महसूस होगी, आपको लगेगा कि एनर्जी लो हो रही है, मगर चलना रास्ता सबसे पहले आप ही तय करें, तभी लोग पीछे फॉलो करेंगे और इतिहास तभी बनता है जब लोग फॉलोअर्स आपको फॉलो करने लगेंगे, आप परिवर्तन कर देंगे। टॉप 5 रीजन में से ये लास्ट रीजन है, पढ़ देते हैं एक बार। ऑलवेज ब्लेम्स ऑफ योर फेल्योर ऑन अदर्स, का मतलब है कि अभी तक सबसे पहली बात कि आप अभी अनसक्सेसफुल हैं, सक्सेस कभी आपने जानी नहीं क्या होती है, सफलता को आपने सुना है महसूस नहीं किया है, और लास्ट में किसी भी चीज़ का, किसी भी सेशन का अगर लास्ट में कोई रीजन बताया जाता है तो सबसे मेन कारण होता है। तो मैं मानता हूँ कि आपका फेल्योर का सबसे बड़ा कारण है कि आप ब्लेम करना, हमेशा लेट होते हैं, अगर आप कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं अपने हॉस्टल पे, अपने बैचमेट्स पे, दोस्तों पर, अपने भाइयों पर, अपने पेरेंट्स पर, इवन उन टीचर्स पे भी जो आपको पढ़ा रहे हैं, आप पर भरोसा कर रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ देना चाहते हैं, आप उनको भी उसमें ले लेते हैं, ब्लेम कर देते हैं हर चीज़ पे, अपनी बाइक पर जो बेजुबान है, ठीक है, अपनी साइकिल तक को आप ब्लेम कर देते हैं, लाइट्स को, इलेक्ट्रिसिटी। ये सोचिए कि अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे ज़्यादा फिट बैठते हैं, ठीक है, इंडिया में हर व्यक्ति, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, उनका नाम जब भी आता है तो हर व्यक्ति, मुझे लगता है इसमें पॉलिटिक्स नहीं आई, एक ऐसा पर्सन है जिस पर पॉलिटिक्स नहीं होती है, उनका बैकग्राउंड सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो प्लीज़ आप देख लें, जान लें, ठीक है, उन्होंने कभी भी किसी चीज़ को, धर्म को, फैसिलिटीज़ को कभी ब्लेम नहीं किया और निरंतर आगे बढ़ते रहे, लास्ट तक वो इंस्पायर्ड करते रहे। तो ये ध्यान रखें कि सबसे पहला और सबसे लास्ट ये रीजन मानता हूँ, अगर आपने टारगेट सेट कर लिया है, सब कुछ आपके पास है, मगर अभी भी अपनी फेल्योर और अपनी असफलताओं को आप ब्लेम करना सीखते हैं तो आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, मानेंगे नहीं, तब तक आपको रियलाइज ही नहीं होगा, और जब तक ये एहसास नहीं होगा, ये महसूस नहीं करेंगे आप, ये फीलिंग, ये गिल्टी
नेक्स्ट आपका आपको नहीं आएगी, तब तक आपका मन ये जो उथल पुथल है ये आएगी नहीं, और जब तक ये भड़ास ये उथल पुथल नहीं मचती है तब तक हलचल नहीं होती है, तब तक क्रांति नहीं आती है। और क्रांति आने का सबसे रीजन होता है कि उथल पुथल होना जरूरी है, आपके अंदर हलचल होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि मेरी वजह से ये गड़बड़ हुई है। तो आप जब भी कहीं पर भी आपके मार्क्स कम आए हैं, कुछ भी हुआ, लेट हुए, सबसे पहले आप ये सोचिए कि ये मेरी वजह से हुआ है, यही आपका सबसे बड़ा रीजन है। ये जिस दिन आप मान लेंगे कि जो भी होता है वो सबसे बड़ा रीजन आप हैं, उस दिन से अपने आप गलती करना, लेट होना, फेल होना, ब्लेम करना, कोर्स का छूट जाना, ये सारी चीज़ें, फैसिलिटीज, इन सबको ब्लेम करने से पहले आप एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आप मान लेंगे कि जो भी गलती होगी सबसे बड़े रीजन आप ही होंगे। और जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि कोई भी गलती अगर मेरी वजह से हुई है तो आप नहीं करेंगे, तो किसी को भी आपको रियलाइज कराने की जरूरत नहीं होगी। और जिस दिन से, अगर आज से, और एक बात लास्ट में मैं जरूर बोल रहा हूँ, जैसे आज से बोला मैं रुक गया, लास्ट में बोल रहा हूँ कि अभी 10 दिन तक ये ना फॉलो करें, 20 दिन तक फॉलो ना करें, जिस दिन फॉलो करें ये 5 रीजन जो हैं इनको आप पहले एनालिसिस करेंगे। और जिस दिन से आपने मान लिया कि अब मैं एक्सेप्ट करना सीख जाऊँगा, और सही से एक्सेप्ट करेंगे, और आप बोलेंगे इस, या अपने आप से खुद से कहेंगे कि यार मुझे दोबारा ये चीज़ नहीं करनी होगी, ये एक ह्यूमन बींग एक नेचर है कि गलतियाँ होना एक स्वाभाविक है, मगर आप एक्सेप्ट करें कि मेरी वजह से हुआ है, उस दिन से सुधार होगा। और जैसे ही सुधार होगा, बस बस अब टाइम का वेट करिए, कल को आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर एग्ज़ाम देंगे तो जिस दिन एग्ज़ाम होगा रिजल्ट आएगा तो पॉजिटिव आएगा, लोग बोलेंगे वाकई में कर दिखाया इस बार। और वो वीडियो आप फीडबैक दीजिए, आपको लगता है कि वाकई में एनालिसिस परफेक्ट थी, या आपको लगता है कि थोड़ा कुछ भी मैंने सही बोला या कुछ भी कर पाया, आपको मोटिवेट कर पाया, तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि इस टाइप के सेशंस बहुत कम अभी हमने लिए हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी कोशिश, हमारा प्रयास, मारुला क्लासेस का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है, आपको लगा कि ऐसा होना चाहिए, आगे भी कंटिन्यू हम लोग करते रहें, सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में सबसे बड़ा चैलेंज है रेगुलरिटी। तो लास्ट में जाते जाते मैं बोलना चाहता हूँ, स्वेटर इसीलिए पहन के आया हूँ कि आपको फील हो कि सर्दी आ चुकी है, ये रिमाइंड आपको लग जाए। और सबसे बड़ा रिमाइंडर मैंने बोला सर्दियों में रेगुलरिटी, तो आप बिल्कुल उसको त्यागेंगे नहीं, 3 महीने में आपको रेगुलर रहना है। अगर ये चीज़ आपने की तो फरवरी में हम दोबारा फिर से ऐसे आपसे मिलेंगे, और बहुत चीज़ें आप अचीव कर लेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें। बस आप एक बात ध्यान रखिए, सर्दियों को इस बार फील करना, महसूस हो कि इस बार सर्दियाँ आई थी, तो आप महसूस तभी होगा जब आप कमर कस लेंगे और इनको फेस करेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग 3 महीने बाद, बात करेंगे दोबारा, फिर से रिमाइंड कराएंगे कितना गेन किया। और अगर आपने इस बार इन 3 महीनों को सोते हुए अगर नहीं बिताया तो वाकई में सिलेक्शन इस बार पक्का है, डैम श्योर, लिख के मैं दे सकता हूँ। बाय बाय, थैंक यू।